स्वागत है आपका अपने चैनल डी आर एस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कुछ हम लोग सेट लेकर आए हैं, ठीक है। जिसमें आपका कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो भी आपका क्वेश्चंस का सेट रहेगा वो आपका सेटिंग अरेंजमेंट रह सकता है, पूरा सेट 5 या 10 क्वेश्चंस का हो सकता है, फिर आपका पजल रहने वाला है, फिर आपका ब्लड रिलेशन रहने वाला है, फिर आपका ये डायरेक्शन बेस्ड रहेगा, आपका जो भी क्वेश्चंस है एकदम सॉलिड क्वेश्चंस रहेगा हम लोग के पास, ठीक है। एकदम सॉलिड कहने का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन अगर आप देख लो तो टोटल आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कहीं से किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पजल वाला नया टाइप का क्वेश्चंस है, जो भी हम लोगों से पॉसिबल है या फिर मैथ या फिर आपका रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग सोच रहे हैं क्वेश्चंस आपका हायर लेवल का हो, जो आपके पीटी या फिर मेंस में जो भी आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो उसको भी सोच रहे हैं कि साथ में लेकर आएँ और साथ में बताएं, जिससे आपको मतलब कहने का ये मतलब है कि मेरा जो भी आपका क्वेश्चंस रहता है उसमें आपका एक क्वेश्चंस में हम लोग 30-40% कॉन्सेप्ट बता दें, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट तो हम लोग बता नहीं सकते क्वेश्चंस में, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस भी अलग अलग लेवल का होता है, अलग अलग आपका टाइप्स का होता है, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जितना कॉन्सेप्ट हो एक क्वेश्चंस में वो हम लोग आप लोग को बता दें, और जिससे आपका उसी टाइप का क्वेश्चन जो है बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया आप लोग को नहीं फेस करना पड़े। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आपका क्या लिखा गया एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है एट पर्सन है आपका, ठीक है, एट पर्सन है, ए से लेकर एस तक, वे आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, जो आपका है 8 लोग है जो आपका अलग अलग साल में जन्म लिए हैं, ठीक है, सब साल का दिया भी दिया गया है, 66 है, 1966 है, 1969 है, 1975 है, 77, 83, 84, 88 और आपका 95 दिया गया, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। कहने का मतलब है कि जिस ऑर्डर में आपका नाम दिया गया है उसी ऑर्डर में वे लोग जन्म लें सेम ऑर्डर वाले साल में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइप से हम लोग अगर देखें इस क्वेश्चंस को तो इसमें आपका क्या है कि जो आपका ईयर है वो तो आपका बढ़ते क्रम में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, 66 होगा, 69 होगा, 75 होगा। तो पजल का रूल क्या है, एक रूल मत कहिए, मतलब उसको थोड़ा सा ट्रिक कहिए, है ना, ये आपका क्या है कि किसी एक चीज़ को आपका सेम ऑर्डर में लेना है, किसी एक चीज़ को क्या करना है सेम ऑर्डर में लेना है, बाद बाकी चीज़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके जितना भी आपका वेरिएबल होगा, जैसे कि आपका इसमें एक नाम वेरिएबल है, इसमें एक आपका ईयर है, फिर दूसरा आपका उसका प्रोफेशन दिया गया है, तो जितना भी वेरिएबल होगा सबको हम लोग क्या करेंगे अलग अलग लेवल से सॉल्व करेंगे और सबका अलग अलग हम लोग कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे, लेकिन कब, पहले एक किसी एक को सेम ऑर्डर में लेने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी एक को हम लोग सेम ऑर्डर में लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग ईयर को सेम ऑर्डर में ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये ईयर को सेम ऑर्डर में ले लेंगे। तो जैसे हम लोग ईयर को सेम ऑर्डर में लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, जितना भी मेरा वेरिएबल होगा उसको हम लोग डिवाइड करते चले जाएंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो पहला आपका ईयर कौन सा है जिससे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, 1966 है, 1966 है, फिर आपका 1969 है, ठीक है, दो मिला। तीसरा क्या है आपका 1975 है, 1975 है, 1975 है, ठीक है, फिर आपका 1977 है, 1977 है, फिर आपका क्या लिखा गया 1983 है, 1983 है आपका, ठीक है, फिर आपका क्या है 183 है, उसके बाद 1984 है आपका दिया गया, ठीक है, फिर आपका क्या है 1988 है, 1988, ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका 1995, तो ये हम लोग ले लेंगे। और इसको हम लोग सेम ऑर्डर में इसलिए ले रहे हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग सेम ऑर्डर में इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसका जो एज भी है वो भी हम लोग को बताना है, मेक ऑल द एज कैलकुलेशंस एज ऑन 31st December 2018, मतलब आपका 2018 तक का सबका एज जो है वो मेंशन किया गया है और बताया गया हम लोग को, उसके बारे में निकालना है। तो 2018 तक अगर हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे 2018 तक, तब क्या है इसका आपका 52 ईयर होगा, इसका आपका 52 ईयर होगा, फिर आपका 49 ईयर होगा, फिर आपका 43 ईयर होने वाला है, फिर आपका 41 ईयर हो जाएगा, फिर आपका 35 ईयर होगा, फिर आपका 34 ईयर होगा, फिर आपका 30 ईयर होगा, और ये आपका टिल 2018 तक आपका 23 ईयर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक आपका नेम भी दिया गया, ये तो ईयर हो गया, यहाँ पे एज हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा,
और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रोफेशन लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोफेशन लिख लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब हम लोग जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका एक डेटा लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखकर हम लोग सबको इस पर एडजस्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस में लिखा गया है कि द प्रोफेसर वाज 11 ईयर ओल्ड एल्डर टू जी, मतलब जो प्रोफेसर है आपका वो जी से 11 साल का छोटा है। जी से क्या है, 11 साल का छोटा है, बड़ा है, ठीक है। मतलब जी भी, जी जब भी रहेगा तो ऊपर रहेगा, और जब भी आपका मतलब आपका प्रोफेसर जब भी रहेगा तो ऊपर रहेगा, और आपका जी जब भी रहेगा तो नीचे रहने वाला। मतलब प्रोफेसर जो है वो आपका जी से 11 साल का बड़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 11 साल का, तो 11 वाला जो मेरा है वो कहाँ कहाँ एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, 11 वाला। अब देखो, अगर हम यहाँ पे जी को रखते हैं, ठीक है, अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तो 30 से अगर 11 साल बड़ा होगा तो 41 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा, प्रोफेसर। दूसरा क्या है मेरा, कि अगर हम लोग, अगर हम लोग जी को कहाँ रखेंगे, अगर हम लोग जी को देख लो यहाँ पे, अगर हम लोग जी को यहाँ रखते हैं 41, है ना, तो 41 रखेंगे तो 11 साल जो होगा 41 से क्या हो जाएगा आपका, 52 होने वाला है। तो आपका 11 साल का डिफरेंस है, तो एक जी यहाँ भी हो सकता है, एक आपका प्रोफेसर यहाँ भी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इसी पे आपका दो फिगर ले लेंगे, यहाँ फिर से हम लोग नेम लेंगे, बाकी तो सब कुछ एक ही जैसा रहने वाला है, और फिर से हम लोग इधर क्या करने वाले हैं, प्रोफेशन लेने वाले हैं, ठीक है। इधर हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, प्रोफेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक हम लोग जी को क्या करेंगे, जी को हम लोग यहाँ 41 के पास रख लेंगे, और इसे 11 साल बड़ा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो गया, पहला क्या कि जी का एज अगर 30 होगा, दूसरा क्या आपका जी का एज अगर 41 होगा, ठीक है। तो जी का एज अगर 30 होगा तो प्रोफेसर का एज आपका 41 हो जाएगा, मतलब 11 साल बड़ा है आपसे जी से प्रोफेसर, ठीक है। फिर आपका क्या है कि जी का अगर 41 होता है तो प्रोफेसर का एज कितना हो जाएगा आपका, 52 होने वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है कि द लॉयर वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर जी, मतलब लॉयर जो है वो जी के बाद जन्म लेगा, ठीक है। चलिए, तो जी के बाद जन्म लेगा, तो हम लोग 23 पे अगर जी को रखेंगे और 34 पे अगर प्रोफेसर को रखेंगे तो जी के नीचे ठीक लॉयर होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ इसको नहीं रखने वाले, ठीक है। तो यहाँ ये लॉयर हो जाएगा, और जी के ठीक नीचे यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, लॉयर होने वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, एडजस्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड वाला क्या है कि ए वाज द आर्किटेक्ट एंड ही वाज बॉर्न टू द गैप ऑफ 2% ऑफ एफ, मतलब क्या है कि ए जो है वो आपका आर्किटेक्ट है, और एफ से 2% गैप करके आपका एडजस्ट है। ए जो है वो आपका आर्किटेक्ट है और एफ से 2% गैप करके आपका एडजस्ट है, मतलब ए एफ के 2% नीचे भी हो सकता है, 2% आपका ऊपर भी हो सकता है। ये हम लोग मेंशन करेंगे जब हम लोग बिठाएंगे तब, अभी तो कुछ हमको, हम लोग को पता नहीं है। चलिए, फिर क्वेश्चंस में आपका क्या लिखा है कि एफ वाज इधर डॉक्टर और सेफ, मतलब एफ जो है वो क्या है आपका, या तो आपका डॉक्टर है या तो आपका सेफ होने वाला, दो में से एक कंडीशन होने वाला है। ओनली 1% वाज बॉर्न बिटवीन डॉक्टर एंड सी, एंड डॉक्टर वाज एल्डर टू सी। कहने का मतलब है कि केवल 1% जो है आपका डॉक्टर और सी के बीच में एडजस्ट है, और डॉक्टर जो है वो सी से बड़ा है, मतलब डॉक्टर ऊपर एडजस्ट होगा और आपका सी जो है वो नीचे एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, फिर क्या है कि 3% वेयर बॉन्ड बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द इंजीनियर, मतलब 3% जो है वो बिजनेसमैन और इंजीनियर के बीच में जन्म लेते हैं, बिजनेसमैन और इंजीनियर के बीच में जन्म लेते हैं, ये चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले एक और चीज़ लिखा क्या गया था कि नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर वॉज द सेम, आफ्टर बी वॉज द सेम नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर द सेफ, ठीक है। सेफ वाज एल्डर देन बी, कहने का मतलब है कि ये जो सेफ है और ये बी, इसके बाद जितने लोग होंगे इसके ऊपर भी उतने ही लोग होने वाले हैं, मतलब सेफ से ऊपर जितने लोग होंगे उतने ही लोग आपका बी के नीचे होने वाले हैं, और सेफ जो है आपका बी से बड़ा है, ये आपका बताया गया। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला लाइन पढ़ते हैं।
3% were born between the businessman and the engineer, मतलब 3% जो है आपका वो businessman और engineer के बीच में है. Businessman was older than engineer, मतलब businessman, यहाँ पे लिखो businessman, और तीन लोग हैं इंजीनियर के बीच में. कहने का मतलब है कि बिजनेसमैन जो है वो इंजीनियर से क्या है, बड़ा है, और उस दोनों के बीच में आपका तीन लोगों का गैप दिया गया. ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एच वाज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर ई. मतलब कहने का मतलब है कि एच के पहले जितने लोग जन्म ले रहे हैं और उतने ही लोग आपका ई के बाद जन्म ले रहे हैं, लेकिन एच जो है वो ई से बड़ा है, है ना. एच के पहले जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग आपका ई के बाद जन्म ले रहे हैं, और एच जो है वो ई से क्या है, एल्डर है, बड़ा दिया गया है. ठीक है, एफ एंड द बिजनेस मैन वे आर बॉर्न कंजुकेटिवली. कहने का मतलब है कि एफ जो है और बिजनेस मैन जो है वो कहीं ना कहीं कंजुकेटिव है, मतलब इमीडिएट नेवर आपका बताया गया है, है ना, कि एफ जो है वो डॉक्टर या तो सेफ आपका, ये तो पहले बताया गया था, लेकिन आपका एफ जो बिजनेस मैन है वो दोनों कहीं ना कहीं एक साथ आपका बैठने वाले हैं, बैठने वाले हैं. Nobody was born between them, लेकिन कोई भी उनके बीच में नहीं जन्म लिया. और H जो है वो आपका प्रोफेसर नहीं है, H जो है आपका प्रोफेसर नहीं है. अब हमको देखना क्या है कि मेरा सारा इन्फॉर्मेशन इन सारे चीज़ों में मिल गया आपका. ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है कि सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन मेरा कौन सा दिया गया, सबसे बड़ा मेरा इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरा कौन सा दिया गया. ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चंस में यहाँ पे देखेंगे क्या कि F आर्किटेक्ट और F और बिजनेसमैन आपका कंजुकेटिव है, और बिजनेसमैन और इंजीनियर के बीच में आपका तीन लोग एडजस्ट है. हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है कि अगर हम लोग बिजनेसमैन और F को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यही लिखा गया था स्टेटमेंट में ना. हाँ चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं बिजनेसमैन, क्यों वो भी हम बताते हैं, बिजनेसमैन, तो या तो F यहाँ हो सकता है, ठीक है, या तो फिर आपका F यहाँ हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम लोग F को यहाँ रखेंगे तो दो गैप करके मेरा आर्किटेक्ट यहाँ होने वाला है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से. अगर हम लोग बिजनेसमैन को यहाँ फिक्स करते हैं, खुद के मन से अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बिजनेसमैन होगा, यहाँ अगर F को रख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, F को रख सकते हैं, यहाँ दोनों जगह आपका F होगा. अगर हम लोग F को यहाँ रखेंगे तो दो गैप करके यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका आर्किटेक्ट होगा. लेकिन आर्किटेक्ट होगा कब, जब ए का प्लेस भी खाली रहेगा तब ना, तो यहाँ आर्किटेक्ट होगा और यहाँ तो ए होने वाला है नहीं, तो यहाँ आपका एफ नहीं होगा, कंफर्म आपका एफ यहाँ नहीं होगा. तो एफ या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ, लेकिन यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पे एफ हम लोग रखेंगे. ठीक है, एफ को जैसे ही यहाँ पे रखेंगे, दो गैप करके यहाँ पे क्या होने वाला है, आर्किटेक्ट, और ये एफ फिक्स हो जाएगा. और जैसे ही यहाँ बिजनेसमैन होगा तो एक दो तीन गैप करके यहाँ पे क्या होने वाला है, इंजीनियर हो जाएगा. इतना तो मेरा कंफर्म है. ठीक है, चलिए उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या, ये मेरा कंफर्म हो गया. अब क्या है कि अगर हम लोग बिजनेसमैन को यहाँ रखते तो एफ यहाँ होता, दो गैप करके यहाँ पे मेरा कभी भी आर्किटेक्ट नहीं हो सकता था. ठीक है, कंफर्म, ये भी आप लोग शायद समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या किए, बिजनेसमैन को यहाँ रखे, इसलिए यहाँ क्यों नहीं रखते ये भी हम आप लोगों को बता दिए, यहाँ पे हो नहीं सकता था. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ रखते तो एक दो तीन, यहाँ कभी भी आपका वो कौन सा इंजीनियर आपका नहीं बैठने वाला था, क्योंकि यहाँ आर्किटेक्ट बैठा हुआ है और एफ तो आपका नीचे ही रहता. जैसे ही आपका बिजनेसमैन यहाँ पे एडजस्ट होता, एक दो तीन, मान लो यहाँ पे क्या हम लोग एडजस्ट करते, इंजीनियर एडजस्ट करते, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन तो एफ यहाँ, और जैसे ही एफ यहाँ तो यहाँ आर्किटेक्ट, तो यहाँ कभी भी आपका इंजीनियर नहीं होगा, इसलिए बिजनेसमैन दोनों जगह में से ऊपर में से कहीं होने वाला नहीं है. ठीक है, इतना मेरा कन्फर्म हो गया. अब हम लोग इस पे बैठाते हैं, इस पे हम लोग देखते हैं. अगर इस पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग बिजनेसमैन यहाँ ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं ले सकते हैं. लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बिजनेसमैन लेते हैं तो एक दो तीन, यहाँ मेरा क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा इंजीनियर हो सकता है. तो हम लोग यहाँ सबसे पहले ऊपर यहाँ पे रख के देखते हैं, बिजनेसमैन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो या तो एफ यहाँ या तो एफ यहाँ. ठीक है, दोनों जगह में से एफ कहीं भी हो सकता है. तो यहाँ जैसे ही बिजनेसमैन होगा तो एक दो तीन, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा. और जैसे ही यहाँ इंजीनियर होगा तो एफ कभी भी यहाँ होगा क्या, क्योंकि एफ के
दो नीचे रहेगा, ऊपर तो कहीं जा ही नहीं सकता, ऊपर कहीं मेरा जा नहीं सकता है, तो दो नीचे रहेगा, तो एक दो करके यहाँ पे मेरा क्या होने वाला, आर्किटेक्ट यहाँ का भी पॉसिबल नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं, एफ यहाँ होगा, दो गैप करके यहाँ पे क्या होने वाला, आर्किटेक्ट जैसे ही यहाँ होगा तो मेरा कभी भी यहाँ पे ए नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा जी आपका फिक्स है, तो कन्फर्म हो गया ये चीज़ कि मेरा यहाँ पे बिजनेसमैन और एफ नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम लोग बिजनेसमैन रखेंगे, यहाँ पे हम लोग बिजनेस में रखते, तो एफ तो भैया यहाँ नहीं हो सकता, एफ जब भी होगा तो यहाँ होगा, और एफ जब यहाँ होगा तो दो गैप करके यहाँ कभी भी आर्किटेक्ट आ सकता है क्या, यहाँ कभी भी आपका आर्किटेक्ट नहीं आ सकता, मतलब बिजनेसमैन आपका यहाँ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बिजनेसमैन यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ पे बिजनेसमैन रखते हैं, बिजनेसमैन यहाँ रखते हैं, तो एफ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, लेकिन एफ यहाँ इसलिए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एफ या तो सेफ है या फिर आपका डॉक्टर है, तो एफ को यहाँ रखेंगे, एक दो तीन का गैप करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इंजीनियर होने वाला है। ठीक है, इंजीनियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दो गैप करके यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, आर्किटेक्ट तो रख सकते हैं, आर्किटेक्ट, तो ए यहाँ आपका फिक्स हो जाएगा, तो वहाँ भी फिक्स हो गया और आपका यहाँ भी फिक्स हो गया। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, तो ये मेरा एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या है कि डॉक्टर और सी, कहने का मतलब है कि अगर एफ डॉक्टर होगा तो नीचे गैप करके, एक का गैप करके आपका सी एडजस्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन एफ आपका डॉक्टर और सेफ कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पे लिखा गया कि एच के ऊपर जितने लोग होंगे, एच के ऊपर जितने लोग होंगे उतने ही लोग आपके ई के नीचे होने वाले हैं, और एच जो है आपका प्रोफेसर नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एच प्रोफेसर नहीं होगा, तो एच आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो कि एच के ऊपर कुछ लोग हैं, कन्फर्म बताया गया आपका, तो एच को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो एच आपका क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा, एच के ऊपर एक दो लोग और ई के नीचे भी आपका एक और दो लोग, ये एडजस्ट होगा, मतलब जितने लोग आपका एच के ऊपर जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग आपका ई के नीचे भी क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और एच आपका प्रोफेसर नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, नहीं बिठा रहे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो एच और ई यहाँ पे नहीं बैठ सकता, जब भी बैठेगा तो एच यहाँ, क्योंकि ऊपर में आपका प्रोफेसर दिया गया है। ठीक है, तो एच वहाँ तो ई आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है कि डॉक्टर और हमको बिठाना है सी को, तो डॉक्टर और सी को जैसे ही हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, ये वाले फिगर में डॉक्टर और सी को बिठाएंगे, तो डॉक्टर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, डॉक्टर यहाँ होगा तो एक गैप करके सी होने वाला, लेकिन सी जो है वो डॉक्टर से छोटा है, कन्फर्म है कि डॉक्टर आपका यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, एक गैप करके सी यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा क्या, एक और बात लिखा था क्या यहाँ पे कि नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर बी वॉज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर द सेफ, सेफ वॉज एल्डर टू बी, कहने का मतलब है कि सेफ जो है वो आपका बी से क्या है, एल्डर है, और सेफ के ऊपर जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग आपका बी के नीचे भी क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ये भी कन्फर्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ नीचे में कहीं भी बी बैठेगा तो बी आपका यहीं बैठने वाला है, और तो कहीं जगह होने वाला है नहीं, और सेफ बैठेगा तो आपका यहीं पर बैठने वाला है, इसके ऊपर दोनों का नंबर ऑफ पर्सन बराबर भी होना चाहिए, सेफ के ऊपर और आपका बी के नीचे, लेकिन ऐसा कहीं पॉसिबल लग रहा है केस में, कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला मेरा फिगर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो एक ही मेरे पास पॉसिबिलिटी, दूसरा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और वो सियोरिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सेफ को रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लोग बी को रख सकते हैं, इसके ऊपर भी उतने लोग जितने कि इसके बी के नीचे लोग। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है, डॉक्टर और सी को बिठाना, तो एफ जब भी होगा तो डॉक्टर या तो सेफ होगा, लेकिन सेफ ऑलरेडी बैठ चुका है, यहाँ पे आपका क्या होने वाला, डॉक्टर, एक गैप करके आपका सी यहाँ कन्फर्म हो जाएगा, बचा आपका डी। ठीक है, तो आपका डी आपका बच रहा है, ठीक है, डी आपका बच रहा है, और बचा आपका क्या, एक आपका बच रहा है मैनेजर, मैनेजर आपका बच रहा है, तो मेरे हिसाब से ये टोटली आपका एडजस्ट हो गया, तो ये वाला फिगर आपका सही होगा, ये वाला फिगर मैंने बार बार बता रहा है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वाला फिगर आपका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, तो सेफ भी एडजस्ट हो गया, एच और ई एडजस्ट हो गया, या फिर डॉक्टर या सेफ, आर्किटेक्ट ए एडजस्ट हो गया, डॉक्टर सी एडजस्ट हो गया, बिजनेसमैन इंजीनियर आपका एडजस्ट हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसा जब भी आपका पजल आया, ऐसा जब भी आपका पजल आया, तो आपको करना क्या है कि सारा इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ना है, कोई ना कोई कॉमन टर्म मिलेगा ही, कोई ना कोई आपका कॉमन टर्म मिलने वाला है, और उस कॉमन टर्म को देख के हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बनाना है, और इन्फॉर्मेशन फिगर बनाना, पहले पॉसिबिलिटी लग रहा है तो पॉसिबिलिटी एडजस्ट कीजिएगा, अगर पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है तब हम लोग को क्या करना है,
कि नीचे सारा इन्फॉर्मेशन स्टार करके हम लोग वहाँ पे लिख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, उसमें से हम लोग कॉमन टर्म ढूंढेंगे कि किस इन्फॉर्मेशन, किस स्टार के पास मेरा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और उस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। तो ये सिर्फ देखने, बताने, सुनने से नहीं आने वाला है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप लोग जब तक खुद से नहीं बनाओगे, तब तक ये हम कोई घोल के भी नहीं पिला सकते फिर आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बनाओ क्वेश्चंस को, नहीं बने वीडियो देखो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करो। कमेंट करो कि सर ये सेक्शन हमको समझ में नहीं आया, उस चीज़ को बार बार देखो, मैं कमेंट के द्वारा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर दूसरे वीडियो में उस चीज़ का मैं जिक्र बिल्कुल करूँगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को बनाओ। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मैनेजर, मैनेजर आपका कौन है, तो मैनेजर आपका हो गया ई, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन वेयर बॉन्ड बिटवीन आर्किटेक्ट एंड सी, आर्किटेक्ट और सी के बीच में सी यहाँ है और आर्किटेक्ट यहाँ है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ तो लोग तो है नहीं भैया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन हो जाएगा, ठीक है। डैश वाज द डैश एंड वाज बॉन्ड इन द ईयर, मतलब आपका डैश करके दिया है, डैश जो है और ये कौन है आपका जो इस ईयर में जन्म लिया है, ठीक है। तो हमको देखना क्या है कि ईयर तो आपका सेम ही होने वाला है, तो ईयर आपका सेम होगा तो कौन सा होने वाला है। तो एफ सेफ है क्या, नहीं है। डी डॉक्टर है क्या, डी 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 डॉक्टर नहीं है। चलिए एच बिजनेसमैन है क्या, एच बिजनेसमैन है और ये 1975 में कर रहा है, जन्म ले रहा है। तो आपका एच वाज द बिजनेसमैन एंड वाज बॉर्न इन द ईयर 1975, तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन वेयर बॉर्न इन वेयर बॉर्न बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के पहले कितने लोग जन्म लिए, डॉक्टर के पहले सिर्फ आपका एक लोग जन्म लिया है, वो है आपका सेफ, आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन वेयर बॉन्ड बिटवीन सेफ एंड लॉयर, ठीक है। तो सेफ एंड लॉयर के बीच में कितने लोग हैं, तो दो दो चार दो छः, है ना, आपका कितने लोग हैं, छः लोग हैं आपका, तो आंसर कितना हो जाएगा, छः। आई होप कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा इस वीडियो को आप लोग क्या करो, फैलाओ। जो स्टूडेंट्स मेंस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले, उनको समझ में आए, और हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो लगभग मेंस लेवल के चीज़ों को लेकर आता है, ठीक है। तो आपका इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका चैप्टर वाइज भी कुछ चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर, जैसे मैंने पिछले बार वीडियो में क्या किया सिलोजिज्म का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया था, फिर आपका कंडीशन ऑफ ईदर ऑल वाला वीडियो आप लोग जाकर देख लो, ठीक है। फिर आपका पॉसिबिलिटी वाला नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी आप लोग क्या करना जाकर देखना, मतलब वन बाय वन करके स्टेप हम लोग कॉन्सेप्चुअल भी ला रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चंस भी डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी ला रहे हैं। तो आप लोग जाकर देखो, लाइक एंड शेयर करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करना ना भूलना, कमेंट भी करना ना भूलना। थैंक यू।